दोस्तों, आज से करीब 13.6 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा ब्रह्मांड बना था, तब से लेकर आज तक इस ब्रह्मांड में कई सारे बदलाव हुए हैं। इतने सालों के दौरान कई स्टार्स, प्लैनेट्स और न जाने कितनी सभ्यताएं बनकर नष्ट हो चुकी है। हम इंसान आज भी यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और हम आज भी यूनिवर्स की शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें और नई नई बातें पता चल रही है। बट हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाली शक्तियों में कुछ शक्तियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हम फंडामेंटल फोर्सेस भी कहते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस चार तरह के होते हैं, जिनमें ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे पहले फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटी के बारे में, कि आखिर ग्रेविटी होती क्या है, ये काम कैसे करती है और ये बाकी फोर्सेस से इतनी अलग क्यों है और इसके होने या ना होने से हमारे यूनिवर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं। सो हेलो गाइज, विद गौरव, यू आर वॉचिंग यूनिवर्स इन माइंड, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि आज से करीब 13.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एटम जितने एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था। उस वक्त एक धमाके से ये पूरा यूनिवर्स बना और जो चीज़ सबसे पहली बनी थी वो थी ग्रेविटी। हम सब ये बात जानते हैं कि ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट द आइजैक न्यूटन थे, जिन्होंने 16 सेंचुरी में ग्रेविटी के ज़रिए हमें बताया कि आखिर कैसे ग्रेविटी के कारण दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन होता है और कैसे सन की ग्रेविटी के कारण अर्थ और बाकी प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं। पर बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि न्यूटन इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि ग्रेविटी काम कैसे करती है और आखिर सन की ग्रेविटी का इफ़ेक्ट प्लैनेट्स पे क्यों पड़ता है। इस बात का जवाब लेकर 20th सेंचुरी में आए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बताया कि ग्रेविटी में जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, उस ऑब्जेक्ट के स्पेस एंड टाइम फाइबर में उतना ही बड़ा कर्व बनेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है, अगर वो उस कर्व में एंटर करेगा तो वह ऑब्जेक्ट बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। यह थ्योरी एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी साबित हुई, जिसने न्यूटन की ग्रेविटी वाली थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। ग्रेविटी की एक खास बात यह है कि ये बाकी फंडामेंटल फोर्सेस से अलग है, क्योंकि बाकी फंडामेंटल फोर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई होते हैं, जबकि ग्रेविटी वो अकेला फंडामेंटल फोर्स है जो क्वांटम मैकेनिक्स में भी अप्लाई नहीं होता। इसका कारण यह है कि बाकी फंडामेंटल फोर्सेस के अपने इंडिविजुअल पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, पर ग्रेविटी का इंडिविजुअल पार्टिकल जो कि ग्रेविटॉन है, वो क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आप ग्रेविटॉन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस रीज़न के अलावा एक रीज़न यह भी है कि ग्रेविटी बाकी फोर्सेस से बहुत ही वीक है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि ब्रह्मांड का दूसरा सबसे कमज़ोर फोर्स है, वो भी ग्रेविटी से 10^35 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। यह नंबर इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा। आइए अब जानते हैं कि ग्रेविटी के न होने से यूनिवर्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसका जवाब बहुत ही सरल है कि अगर ग्रेविटी ना हो तो यूनिवर्स लगातार काफ़ी स्पीड से एक्सपेंड करता रहेगा, जिससे पार्टिकल्स आपस में मिलकर कभी कंडेंस ही नहीं हो पाएंगे, जिससे प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी कभी नहीं बन पाएंगे, जिससे यूनिवर्स एक स्टेबल स्ट्रक्चर में नहीं रह पाएगा। दोस्तों, ये था पार्ट वन ग्रेविटी के बारे में। हमारे आने वाले पार्ट्स में हम बात करेंगे बाकी फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं यूनिवर्स की कई नई नई बातों के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड डे।